यार मुझे इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे दोस्तों के, भाई कौन सा कैमरा यूज़ करते हो, कौन सा मोबाइल यूज़ करते हो अपने वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही बताने वाला हूँ आपको कि मैं कौन सा कैमरा यूज़ करता हूँ, कौन सा एक्शन कैमरा यूज़ करता हूँ, और मेरा जो मोबाइल है फेस कैम मैं अपने मोबाइल से ही करता हूँ, तो मैं आज उसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, हाय, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो रिसेंटली मैंने एक एक्शन कैमरा खरीदा है, कंफ्यूज हो गया था दो कैमरों के बीच में, GoPro Hero 8 और Osmo Action के बीच में। तो मैंने बहुत ऐसे रिव्यू चेक किए, फाइनली डिसाइड किया कि भाई Osmo Action ही बेटर रहेगा हमारे लिए, क्योंकि उसमें एक फ्रंट स्क्रीन भी मिल जाते हैं, और ख़ास करके आप अगर ब्लॉगिंग कर रहे हो तो भाई आपको पता होगा फ्रंट स्क्रीन का कितना अहमियत होता है। तो मैंने कुछ जगह चेक भी किया, कैमरा बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, और उसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसे आपको यूज़ करना है कैसे नहीं। तो फिलहाल जो आप ये वीडियो देख रहे हो ये मेरे मोबाइल के फ्रंट कैमरा से ले रहा हूँ, जो कि IQ003 है, और ये मुझे लेके 6 महीना हो गया है, और आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस मोबाइल। एक तो परफॉर्मेंस इसका बहुत फास्ट है और कैमरा भी बहुत ही लाजवाब है। तो मेरे ज़्यादातर वीडियोस में मैंने जहाँ पे भी अपना फेस यूज़ किया है फ्रंट कैमरा ही यूज़ किया हूँ। अभी मैं आपको सनसेट दिखाता हूँ इसी मोबाइल से। सो ये सनसेट, खूबसूरत सा सनसेट आपको मैं अपने मोबाइल से ही रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ। स्टेबिलिटी भी आप चेक कर सकते हो, मैं मूव कर रहा हूँ बिना किसी गिम्बल के, हैंड हेल्ड है, मैं अपने हाथ से ही यूज़ कर रहा हूँ। कैमरे की स्टेबिलिटी चेक करो आप, कितना लाजवाब है, ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई गिम्बल यूज़ कर रहा हूँ। यही खासियत इस मोबाइल को और बढ़िया बना देती है। मुझे ये मोबाइल ब्लॉगिंग करने के लिए बहुत ही सही लगा, क्योंकि इसका बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा बहुत ही लाजवाब है। तो हमारे जो नॉर्मल मोबाइल्स रहते हैं, अगर आप उसमें एक्सटर्नल माइक यूज़ करना चाहोगे तो आपको क्या करना पड़ता होगा, एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता होगा। लेकिन इस मोबाइल में खासियत ये है कि आपको बिना कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड किए आप अपना एक्सटर्नल माइक यूज़ कर सकते हो। मैं अपने एक्सटर्नल माइक को इस कैमरे के 3.5 mm जैक में डायरेक्ट इनपुट करके इनबिल्ट कैमरे से ही ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, ये एक बहुत ही अमेजिंग थिंग लगी इसमें। तो चलिए, अभी तो मैं आपको मोबाइल के बारे में बता दिया, आप चलते हैं एक्शन कैमरा की तरफ। तो ये रहा वो एक्शन कैमरा, Osmo Action। तो इस पर आपको आगे एक स्क्रीन दिख रहा होगा, राइट, फ्रंट स्क्रीन, मैं ऑन करके दिखाता हूँ। ये है इसका सबसे बेस्ट पार्ट, इसके फ्रंट में भी एक आपको स्क्रीन मिलता है, जो कि ब्लॉगिंग करने के टाइम पर आप इस तरह से कुछ यूज़ कर सकते हो ब्लॉग करने के टाइम पर, जो कि GoPro 8 में आपको नहीं मिलने वाला। जो बाकी जो फीचर्स है इसमें वो भी लगभग GoPro 8 के बराबर ही हैं, और इसमें एक एडवांटेज है कि आपको फ्रंट स्क्रीन मिलता है, जो कि मुझे लगा कि इसको लेना ही बेटर रहेगा, और ऊपर से प्राइस भी 10-12 हज़ार उससे कम है। आपको एक बहुत बड़ा स्क्रीन भी मिल जाता है इसमें, वो फुल टच स्क्रीन है और स्क्रीन भी बहुत बड़ा है साइज। बाकी एक इशू इसमें मुझे देखने को मिला कि हाई सेटिंग में जब आप रिकॉर्ड करते हो तो थोड़ा सा हीटिंग होता है, बट मैनेजेबल है। और एक बात, भले इसमें 4K रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है, बट फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि 1080p और 60fps में ही रिकॉर्ड कर सको तो बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने चेक किया है कि इवन 2.7K में मैंने रिकॉर्ड किया था, तो मेरा हाई ग्राफिक्स लैपटॉप होने के बावजूद भी अपने जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वो हैंग हो जाते हैं। तो बड़े से बड़ा यूट्यूबर भी रिकमेंड करता है कि आप ये 1080p रेजोल्यूशन पे ही रिकॉर्ड करें, कोई भी चाहे डिवाइस हो, हमेशा अगर आप कोई ब्लॉग वगैरह कुछ बना रहे हो तो 1080p और 60fps में रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि बाद में अगर आपको जाके स्लो मोशन करना है तो आपको 60fps रिकॉर्ड में किए होगे तो वो वीडियो काम में आएगा। तो मैं कुछ सैम्पल सर्विस का दिखा देता हूँ Osmo Action का। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये Osmo Action से ले रहा हूँ मैं, और ऑडियो भी इनबिल्ट माइक से ही ले रहा हूँ, और इसमें रॉक स्टेडी मोड ऑन है, तो आप स्टेबिलाइजेशन भी चेक कर सकते हो कि कैसा आ रहा है। और मैं बता दूं कि ये इवनिंग सूरज ढल चुका है, ये लो लाइट में आपको दिख रहा है, जो भी आप देख रहे हो ये लो लाइट में दिख रहा है। ऑडियो क्वालिटी कैसा है आप चेक करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।
और ये इतना छोटा है, तो अगर आपको पब्लिक में ब्लॉगिंग करने में हिचकिचाहट होती है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये कैमरा लेके आप हाथ में लेके ब्लॉग कर सकते हो। किसी को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आपके हाथ में कोई कैमरा है। और इसका ऑडियो क्वालिटी भी ठीक ठाक ही लगा था मुझे, फिर भी मैं बोलूँगा कि आप चेक करके बताएँ कि कैसा आ रहा है ऑडियो क्वालिटी। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको ये कैमरा लेना है या फिर ये मोबाइल लेना है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके चेक कर सकते हो। तब तक इंतज़ार करिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए।